जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपका मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि वाले यानी टॉरस वालों से, कैसे हैं आपके हालचाल। आपने YouTube पे बड़ी भविष्यवाणियां सुन ली होगी कि करोड़पति बन जाएंगे, धन लाभ होगा, आपके सपने सच्चे होंगे, ऐसी ऐसी टैगलाइन होती है ना मित्रों। लेकिन अब आधा साल बीत चुका है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे से क्या गलती हो गई कि हमारा जीवन बदल नहीं रहा है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और वृषभ राशि के अर्धवार्षिक राशिफल यानी आधे साल के राशिफल के बारे में आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। यानी अगस्त से दिसंबर में आप कोई योजना बना रहे हैं तो आपके लिए महीना कैसा होगा, सूक्ष्म रूप से हम बताएंगे। वैसे मोटे रूप से हम मंथली राशिफल देते हैं, लेकिन अभी क्या है हम आपको सूक्ष्म रूप से बताने वाले हैं। उससे पहले कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। आपको क्या कर्म करना चाहिए ताकि आपका जीवन अच्छा हो, इस कार्यक्रम में हम ये भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जन्म पत्रिका तो आपके हर नुक्कड़ में और बहुत सारे YouTube Facebook में चैनल हैं, पोर्टल हैं, उसमें बताते ही हैं राशिफल, ये राशिफल, वो राशिफल, वो बताया ही जाता है। इसमें हम चर्चा करेंगे आपको अपने अंदर क्या चेंज लाने हैं और मिरेकल चेंज आपके जीवन में आएगा, यानी गोचर का असर आप पे तुरंत आएगा। क्योंकि आप राशिफल तो बहुत देख रहे हैं लेकिन आपके जीवन में प्रभाव नहीं आ रहा, तो आपको परिवर्तन की सख्त जरूरत है। चलिए पहले हम वृषभ राशि यानी टॉरस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को सारे वृषभ राशि वालों पर शेयर करना चाहिए, याद रखिएगा। पहले हम वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि भा चक्र की दूसरी राशि, स्वामी इसके शुक्र होते हैं। देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातक बड़े आध्यात्मिक होते हैं, यानी कि मंत्र पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है। पूजा पाठ गुरु की दीक्षा विक्षा बड़ी करते हैं, गुरु की सेवा बहुत करते हैं देखा जाए। और ये जो वृषभ राशि वाले लोग होते हैं ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं, यानी समाज सेवा में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं हटते, किसी निर्धन की मदद करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटते। अक्सर वृषभ राशि में देखा गया है कि जबरदस्त समाज सेवा वाली भावना इसके इनके अंदर कूट कूट के बनी हुई होती है। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले सबकी मदद करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी व्यक्ति आ जाए, बूढ़ा आ जाए, जवान आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई अपनी प्रॉब्लम इनसे शेयर कर दे, ये उसकी बढ़ चढ़कर हेल्प करते हैं। इतनी हेल्प करते हैं कि अपनी फैमिली को भी भूल जाते हैं, अपने रिश्ते नाते को भी भूल जाते हैं। उस व्यक्ति का जब तक काम सफल नहीं हो जाता तब तक ये मेहनत करते ही रहते हैं, यानी कि ज़बरदस्त मदद और ज़बरदस्त सलाहकार वृषभ राशि को कहेंगे। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले अच्छे वक्ता होते हैं, यानी वक्ता का मतलब इनका गला बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग कलाकार होते हैं, गायक होते हैं, सिंगर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, तो अच्छे वक्ता और अच्छे क्रिएटर होते हैं, यानी कि अच्छी कल्पना शक्ति इनके अंदर होती है। फिर भी आपने देखा है कि अब जो है 5 महीने रह गए हैं इस साल के, आपको क्या क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कामयाबी की कुछ टिप्स मैं आपको अपनी ओर से देने वाला हूँ, यानी कि मैं 4 बातें बताऊंगा, अगर आपने उसको चेंज कर लिया तो जीवन में परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज, वृषभ राशि को जीवन में अपने परिवर्तन लाना, पहला आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 30 ईयर के बाद आपको हेल्थ के इशू आ जाने वाले हैं और बहुत से वृषभ राशि को आ जाते हैं, इसलिए आपको हेल्थ पे 30 साल के बाद ध्यान देना पड़ेगा। मेडिटेशन आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप में ग्रोथ ज़्यादा आ जाएगा, आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ जाएगी, जिस वजह से आप किसी की बात सुनेंगे तो ज़रूर लेकिन मानेंगे नहीं, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इसलिए आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की समस्या वृषभ राशि को रहती है, शुगर की समस्या वृषभ राशि को रहती है, तो इसलिए आप जिम जाएं, योग करें या मेडिटेशन करें, जरूर करें, याद रखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले दूसरा टिप्स ये है, अपने अंदर आपको क्या करना है, बदलाव लाना है, यानी
समय क्या चल रहा है अभी, जैसे टेक्नोलॉजी का समय है तो आपको अपने काम में भी टेक्नोलॉजी का अधिकतम यूज़ करना है। आप ढर्रे में बैठ के दुकान चला के आप सोचे कि आपके काम में वृद्धि होगी, नहीं होगी। आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अपने काम की मार्केटिंग करानी पड़ेगी, यानी कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपका काम बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि आप काम में मास्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञापन टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना होने के कारण आपका काम नहीं चल पा रहा है, याद रखिएगा। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, कोई क्लास लेनी तो क्लास लें, या ऐसा आदमी रखें जो टेक्नोलॉजी से भरपूर हो, आपके बड़े काम आने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो थोड़ा सा आपको समय परिवार को भी देना है, यानी कि अक्सर वृषभ राशि वाले सामाजिक व्यक्ति होते हैं, समाज के अंदर बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से परिवार में इनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, जिस कारण से परिवार के अंदर पत्नी से वाद विवाद हो जाते हैं, पति से वाद विवाद हो जाते हैं, या फिर बच्चे उनको पूछते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना है, याद रखिएगा। कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, ऐसा मत कीजिएगा कि दिया सबको प्रकाश देता है लेकिन उसके तले अंधेरा ही होता है। तो अक्सर वृषभ राशि वालों के साथ में ये होती है कि दुनिया को तो वो प्रकाश देते हैं लेकिन अपने बच्चों पे उनका प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। चौथी टिप्स मैं ये देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक से अधिक स्रोतों पे काम करना है, यानी कि आपके पास जो धन आएगा उसको आपको मनी को रोटेट करना है, किसी को उधार नहीं देना, किसी पे परोपकार नहीं करना। परोपकार करो वृषभ राशि वालों, लेकिन लिमिट में आके, लिमिट से ज़्यादा किसी को मनी उधार नहीं देना, या फिर किसी के बहकावे में कहीं पर शॉर्ट लालच में कि अभी रातों रात यहाँ पर आप पैसे लगा दो, एक महीने में 4 गुने हो जाएंगे, ऐसे लालच में ना पड़े। आपको अपने मनी को अपनी ही दिमाग से रोटेट करना है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना है, प्रॉपर्टी में आप लगा लीजिएगा, मकान में आप लगा दीजिएगा, SIP फंड में आप लगा लीजिएगा, यानी कि मनी को रोटेट करके आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनाना है जिससे आप पे लोड नहीं पड़ेगा। तो ये 4 टिप्स जरूर फॉलो करें। हमार नाम रोजो चैटर्जी, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था, दुनिया के चारों तरफ हमार औषध तो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया, मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया, मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी, दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब, मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया, मैं उनको मानता चला गया। और आज फिर से देखिए, मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया, चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। आप बात करते हैं वृषभ राशि के अर्धवार्षिक राशिफल के बारे में, अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर क्या रंग ला रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि के अगस्त में देख लेते हैं, तो अगस्त में भाई वृषभ राशि वाले ध्यान से सुनो, शुक्र वक्री हो रहे हैं जिस वजह से काम और व्यापार में रुकावटें रहेंगी, हर काम रुकावट से होगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी अगस्त के अंदर थोड़ा रिजल्ट कम आ रहा है, और देखा जाए तो खर्चा आपका अधिक रहेगा, और खासकर देखा जाए 14 अगस्त तक आपके खर्चे अनियंत्रित होने वाले हैं, यानी कि बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। 14 अगस्त के बाद थोड़ी स्थिति में बदलाव आएगा। सितंबर में अगर देखा जाए तो सितंबर में और खासकर आपके जीवन में बदलाव आएगा 4 सितंबर से मार्गी अवस्था में शुक्र जो हैं आपके तृतीय भाव में बैठेंगे, जिस कारण से बुरी स्थितियों में 4 सितंबर से सुधार होने लगेगा, अब आपके काम बनने लगेंगे और मेहनत का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, काम और धन की जो रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी, करियर में जो रुकावट है वो 4 सितंबर के बाद आपकी ख़त्म होगी जो अगस्त में शुरू हुई थी। अब देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो अक्टूबर में अगर देखा जाए तो 10 अक्टूबर के बाद से शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आपके आ जाएंगे, यानी चतुर्थ भाव में वाहन खरीदने के आपके योग बनते हैं,
या परिवार में कोई सदस्य वाहन खरीद सकता है, कोई घर का रेनोवेशन हो सकता है, सरकारी रुके हुए काम आपके पूरे होते हैं, यानी कि सरकारी रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, माता पिता या रिश्तेदारी से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या माता पिता या रिश्तेदारी से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। और देखा जाए तो 10 अक्टूबर से जो शुक्र चतुर्थ होंगे वो काम धन करियर के लिए ज़बरदस्त रहेंगे, यानी अक्टूबर का महीना 10 तारीख के बाद बड़ा लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं नवंबर में, तो नवंबर में देखा जाए तो 3 नवंबर के बाद शुक्र नीच राशि कन्या में जाएंगे, तो हेल्थ पे वृषभ राशि वालों को ध्यान देना है, नहीं तो देखा जाए तो आपको ENT की समस्या आ सकती है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, मन में अशांति चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो सकता है, परिवार से आपके वाद विवाद चिड़चिड़ेपन के कारण होंगे, आपको मन में अशांति के कारण चोट भी लग सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आपका कुछ धन चोरी हो सकता है या खो सकता है, यानी कि नवंबर में धन में रुकावटें धनहानि के योग आपके नज़र आ रहे हैं, यानी 3 नवंबर के बाद नवंबर का महीना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में देखा जाए 1 तारीख से लेकर 24 दिसंबर तक देखा जाए शुक्र स्वराशि में रहेंगे, यानी तुला राशि के अंदर रहेंगे, काम में बहुत बड़ा परिवर्तन या काम या करियर में बड़ी खुशखबरी पद से संबंधित मन चाहे काम से संबंधित वृषभ राशि को प्राप्त होगी। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन, काम में परिवर्तन, नया काम आपको दिया जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अचानक धन लाभ आपको होगा और धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है और किसी नवीन कार्य की योजना आपकी बन सकती है, यानी नए जगह से आपको ऑफर आ सकता है, नए काम में आपको डाला जा सकता है, तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना बहुत लाभकारी रहेगा। और डिटेल में मित्रों अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए मंथली राशिफल आप जरूर देखिएगा, ये जो हमने बताया ये आंशिक रूप से आपकी सहायता के लिए बताया है। ये कार्यक्रम मित्रों अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था, तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय छुपाए थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई, और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो मेरे उन्होंने बेटे की ये भाग्य मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है, और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद।